टाटा मोटर्स अपने अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट करवाना चाहता है। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज एन ADS। तो जिस तरह इंडियन इन्वेस्टर्स US स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसी तरह US इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफिकेशन के लिए इंडियन स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कोई भी फॉरेन स्टॉक विच इज लिस्टेड ऑन US स्टॉक मार्केट इज एन ADS। हमारे देश में NASDAQ या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना काफी बड़ी बात है। तो टाटा मोटर्स अपने आप को क्यों डीलिस्ट करवाना चाहता है? इसका मुख्य कारण है कि इंडिया में टाटा मोटर्स के जितने स्टॉक्स लिस्टेड हैं, उसके मुकाबले में ADS का नंबर काफी कम है, इसलिए उन्हें कोई खास फायदा नहीं दिखता अपने शेयर्स को लिस्टेड रखने में। साथ ही साथ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रहने से उनकी फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती है, जिसको वो कम करना चाहते हैं। इस पर आपकी क्या राय है कॉमेंट्स में जरूर बताना।